हम पढ़ेंगे एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक पांडा अपने अम्मी अबू के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन उस गांव में तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, हवा जोरों शोर से चलने लगी और तेज बारिश भी शुरू हो गई। पांडा और उसके घर वाले परेशान भागने लगे। जब तूफान ठहरा तो पांडा अपने अम्मी अबू की तलाश में निकला, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई ना मिला। अगली सुबह पिंकी और जोजो ने स्कूल के रास्ते में सड़क पर पांडा को बैठे हुए देखा। पांडा! पांडा! पांडा एक जानवर का नाम है। पांडा! पिंकी और जोजो ने सोच लिया कि वो उस पांडा को घर ले जाते हैं। घर लाके दोनों ने पांडा को एक स्टोर में छुपा दिया ताकि घर वालों को पता ना चले। पांडा के साथ रहते हुए सबने उसके साथ खूब खेला और उसका बहुत सा ख्याल भी रखा। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सब बच्चों की पांडा से गहरी दोस्ती हो गई थी। रोजाना जोजो अपनी साइकिल पर पांडा के लिए ढेर सारे पत्ते लाया करता था और पांडा खूब मजे ले लेके खाता रहता था। देखते ही देखते पांडा बड़ा होता चला गया और इतना बड़ा कि पिंकी और जोजो सोच में पड़ गए कि इतने बड़े पांडा को वो घर में छुपा के कैसे रखेंगे। फिर उनको जग्गू की बड़ी सी लाल गाड़ी का ख्याल आया। सुबह होते ही पांडा समेत सब गाड़ी में सवार हो गए और पार्क की तरफ चल पड़े। हर कोई उदास बैठा था। आखिरकार सब पार्क पहुंच गए। पांडा से जुदा होने पर पिंकी और जोजो बहुत उदास थे। और यूं बेचारा पांडा पार्क में बिल्कुल तन्हा रह गया। पार्क! पार्क! पार्क यानी खेलने की जगह। पार्क के लोग सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। शुली और उस जैसे कई लोग लापरवाही से पार्क में कचरा फेंक रहे थे और इस तरह पार्क कूड़ा करकट का ढेर बनता जा रहा था। पार्क में गंदगी तो फैल ही रही थी
लेकिन साथ साथ बीमारियां भी फैलती जा रही थी। सबसे पहले पांडा बीमारी का शिकार हुआ और फिर शूली रानी और तो और रानी के अबू भी बीमार पड़ गए। पार्क की ये हालत देख के पिंकी और जोजो हैरान परेशान रह गए। मदद के लिए उनको मौलवी साहब का ख्याल आया। मौलवी साहब सुन के हैरान हुए और फौरन उनके साथ पार्क की तरफ चल पड़े। इस मसले का क्या हल हो सकता है? क्या आप सब हमारी मदद करेंगे? पहला हल ये हो सकता है कि हम सब कचरे को उठा के समंदर में फेंक दें, लेकिन उससे तो पानी गंदा हो जाएगा और मछलियां बेचारी भी बीमार पड़ जाएंगी। दूसरा हल ये हो सकता है कि हम कचरा फैलाने वाले लोगों से मार कुटाई करके उनको रोक लें, लेकिन लड़ना तो बहुत बुरी बात होती है और लड़ाई किसी मसले का हल नहीं होती। और तीसरा हल ये हो सकता है कि हम सब मिलके अपने मुल्क को साफ रखने का इरादा कर लें और उस पर अमल करें। तो आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा हल सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सब मिलके अगर अपनी जमीन पर कचरा ना फेंके तो हमारा मुल्क पाकिस्तान साफ शफाफ रहेगा। पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान यानी हमारा प्यारा मुल्क। और यूं पिंकी जोजो और मौलवी साहब ने सबको पार्क की सफाई करने पर राजी कर लिया और पार्क साफ सुथरा हो गया। तो आज हमने पढ़ा है पांडा। पांडा एक जानवर का नाम है। प प पार्क। पार्क यानी खेलने की जगह। प प पाकिस्तान। पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क। की आवाज से बनने वाले कुछ लफ्ज़ अगले लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।